पहले से ही जानता था नानी माँ कि बबली के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। पिछले दिनों से कितना अजीब बिहेव कर रही है वो, हर चीज एक्सट्रीम में लेती है, जैसे मानो उसका इमोशंस पे कोई कंट्रोल ही ना हो। मुझे तो तुम्हारे उस करंट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आई थिंक देयर इज समथिंग रियली फिशी अबाउट दिस मैन। अगले हफ्ते ताऊजी ईजीएम बुला रहे हैं मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाने के लिए। चेयरमैन की कुर्सी से हटाना चाहते हैं मुझे, खुद चेयरमैन बनना चाहते हैं वो। ऋषभ कोशिश तो करता है लेकिन मिस्टर ऋषभ एक लायक चेयरमैन जरूर सिद्ध होंगे, लेकिन आज कुछ सालों बाद। अगर वो वीडियो का सेट बतौर सबूत कोर्ट में पेश किया जाता है तो मेरी डिफेंस का क्या हो, पैरों तले की जमीन खींच ली जाएगी। तूने अभी रिश्तों को पहचानना सीखा नहीं है बेटा, आस्ते आस्ते सीख जाएगा। माँ इस वक्त मुझे रिश्तों की पहचान की नहीं अपनी पहचान की तलाश है। सूरत साहब बहुत भारी कमीशन लेते हैं और ऐसा हर डील में होता आया है। मैडम इस बिजनेस को खड़ा करने वाला मैं हूँ और अब जो मैंने किया है वो भी पार्ट ऑफ बिजनेस ही है। मैं जब चाहे एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, आप चाहे तो अपनी पार्टनरशिप वापस ले लीजिए। तुमने तो इंतजार करवा करवा के मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम मेरा इंतजार कर रही थी? नहीं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी देखने का इंतजार कर रही थी। यहाँ बैठकर मेरा वक्त ऐसे गुजर रहा था जैसे मेरा इम्तिहान चल रहा हो, और तुम्हारा इंतजार तो मैं ऐसे कर रही थी जैसे कोई पोस्टमैन किसी बच्चे का रिजल्ट लेकर आ रहा हो। तुम किस इम्तिहान और किस रिजल्ट की बात कर रही हो? डोंट बी सो मी, बनो मत। पता है अगर मैं कल बाहर होती ना तो इट वुड हैव बीन द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे ऑफ माय लाइफ। तुम्हें तो कल ही आकर मुझे बता देना चाहिए था। क्या बताना चाहिए था? बड़े नासमझ बन रहे हो। अरे बताना तुम्हारी रिकॉर्डिंग कैसी रही। ओम रिकॉर्डिंग, मुझे लगा तुम कोई जरूरी बात करना चाहती हो। तुम बताओ तुम्हारी रिकॉर्डिंग कैसी रही, तुमने कौन से गाने रिकॉर्ड किए, लोगों का रिएक्शन क्या था, अरे तुम्हारी एल्बम कब लॉन्च कर रहे हैं? छोड़ो ना ये सब बातें, हमारी लाइफ में भी और भी तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें करनी है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे वॉल्टर की पहली रिकॉर्डिंग है। यू नो इट वाज सच एन इम्पोर्टेंट ओकेजन फॉर बोथ ऑफ अस, तुम्हारा पूरा करियर उस पर डिपेंड करता है। बताओ ना तुम्हारी रिकॉर्डिंग कैसी थी? अच्छी थी। अच्छी थी बस, बहुत अच्छी नहीं रही? हाँ बहुत अच्छी समझ लो। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी क्यों नहीं नजर आ रही? तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज आया और तुम वाल्टर, कहीं तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, मैं बाहर की जिंदगी तुम्हारे जरिए ही तो देख रही हूँ। जैसे तुम लोग मुझे बाहर की जिंदगी दिखाते हो मैं वैसे ही देखती हूँ। मुझे सच सच बताओ आखिर बात क्या है? नीतू मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैंने अपनी रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी। कैंसिल कर दी क्यों? नीतू मैं कोई बेजान म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या ग्रामोफोन नहीं हूँ कि जिसका स्विच ऑन कर दिया या हाथ में उठा लिया तो मैं बजना चालू कर दूं। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे में भी फीलिंग्स हैं, और ये वो इंसान है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। ये मेरे बस की बात नहीं है कि तुम यहाँ पर जेल में बैठी रहो और मैं वहां पर जाकर नाचू गाऊं ऐश करूं, मेरे से नहीं होगा। जिस खुशी में तुम शामिल नहीं हो ना, मुझे वो खुशी मंजूर ही नहीं है। जब तक तुम जेल से बाहर नहीं आ जाती मैं किसी भी गाने वाने की रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। फॉर मी You are much more important than my career. I love you. Love you too. ये शानदार पारी, ये यादगार शाम। ओ सुनील ये जुमले पुराने हो चुके हैं। कुछ जुमले पुराने ही अच्छे लगते हैं मैडम, उनका पुराना होने में ही मजा है। चलो हमेशा की तरह दो अंदर और आपको चढ़ गई है। इतने नशे में तो मैं हमेशा ही रहता हूँ यार। और आजकल कुछ ज्यादा ही क्यों? तुम लोगों के दिमाग चल गए लगते।
मैं समझती हूँ, ऐसे में ऐसा ही होता है। ऐसे में ऐसा मतलब? अब रहने सुनिए, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। वैसे बातें दूर तलक जाने के लिए ही होती हैं। जो बातों को रोक लेता है, मुलाहिजा फरमाइएगा कि जो बातों को रोक लेता है जी, वो सबसे बड़ा बेईमान होता है। क्या बात है, क्या बात है, ये हुई ना बात सुनील वर्मा। तो अब ईमानदारी से आप भी जरा बता दें कि रितु कैसी लड़की है। ओ दीदी, कैसी बात करती हो, ऐसे बात तो बड़े बड़े ईमानदार भी नहीं बताते, तो अपना सुनील क्या बताएगा। अच्छा चलो, तुम लोग रितु के बारे में पूछ रहे हो ना। अच्छा, रितु एक खूबसूरत एक क्यूट लड़की है, एक एक अच्छी लड़की है, और हाँ हाँ आगे बताओ। कहाँ था मैं? हाँ, रितु एक क्यूट लड़की है, रितु एक अच्छी लड़की है। देखो मेरा, तुम्हें तो पता है कि मैं बहुत दिनों तक मैं तुमसे मतलब तुम्हें मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता था, तभी यकायक रितु मुझे दिखी और मुझे अच्छी लगने लगी। और तुम्हें तो पता है ना मेरा, अच्छे लगने का क्या मतलब होता है। तुम दोनों रुको, मैं बताती हूँ। अच्छा लगना मेरा मतलब किसी का इस तरह अच्छा लगने का मतलब किसी से प्यार हो जाना। यस। और किसी से प्यार हो जाने का मतलब दोनों का खत्म हो जाना। ओ। तुम खुश हो ना? मैं Man, I'm very happy, very happy, very सुनील, मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रही हूँ, तुम अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करो। Yes. A new start. पता है मेरा, रूबी बिल्कुल सही कह रही है। रूबी एक महान लड़की है, बिल्कुल सही कह रही है मिलोट, क्योंकि रूबी एक महान लड़की है। एंड फ्रेंड्स एंड इंडियन एंड कंट्रीमैन, रूबी एक महान लड़की है और रितु एक अच्छी खूबसूरत क्यूट और मेरी क्लाइंट है। तो एक अच्छी शुरुआत मैं भी कर दूं? अच्छा है कि मैं ये मनहूस शहर छोड़कर जा रही हूं, और अब मुझे ऋषभ भी रोकना चाहेगा तब भी मैं नहीं रुकूंगी। हाय ऋषभ, मिस्टर ऋषभ बल्होत्रा, वेलकम। वेलकम पूजा जी। नमस्ते सुनील भैया। नमस्ते जी। देख रही हूँ कि अभी भी तुम्हें अपने आप पर काबू नहीं है, अपने आप को संभालो। तो मेरा सरप्राइज कैसा लगा तुम्हें मेरा? फाइंड आउट कि इस वक्त तुम्हें क्या महसूस हो रहा है ऋषभ का इस तरह से आना। चेक इट आउट बेबी। कमाल करते हो सुनील। अगर तुम उसमें से बिल्कुल निकल चुकी हो तो तुम्हें इस वक्त बेअसर होना चाहिए, जो कि तुम लग नहीं रही हो। इधर कैसी हो तुम? मॉल से टिको? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जी शुक्रिया। खासकर ये हमारी नानी माँ ने हमारे 15वें सालगिरह पर दिया था।
बहुत ही अच्छा है, इट्स वेरी क्यूट। और क्या चल रहा है? हमारा क्या चलेगा, आप यहां नाराज खड़ी है, वो वहां रुखे रुखे हुए हैं, और हम तो बीच मझधार में खड़े हुए हैं। पूजा, मुझे यकीन मानो मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब तो ऐसे ही होता चला गया, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, मुझे पता है तुम ऋषभ को संभाल लोगे। ऋषभ बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा जल्दबाज है। बिल्कुल बच्चे हैं आप दोनों, दिल ही दिल में एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऊपर से झगड़ते हैं और सत्संग से डरते हैं। पूजा, अब मैं नहीं डरती, अब मैं बिल्कुल नहीं डरती, तुम जो हो तुम जीत गई पूजा। नहीं मेधा जी, हमें ये जीत नहीं चाहिए, अगर हम हार गए होते ना तो ज्यादा खुश रहते। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस मेधा हेगड़े को मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा आज एक फेयरवेल पे गिफ्ट देंगे, तोहफा देंगे। मिस्टर मल्होत्रा विल डांस विद मिस हेगड़े। देखो मैं म्यूजिक लगाऊंगा। दिस इज अ होस्ट रिक्वेस्ट, you don't refuse. Okay, here goes Mr. Malhotra to Miss Hegare. Hegare. Oh, Meta, please. and here there's a couple. Ba, Pooja ji. Yes, carry on. फाइनली तुम जा रहे हो, मेधा तुम यकीन मानो या ना मानो, आई रियली गोना मिस यू। रियली? या, आई स्वेयर। ऋषभ, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे मिस करो। मेधा अब भी वक्त है, मेरा कैसा नहीं हो सकता कि तुम अपना फैसला बदल लो। ऋषभ, इट्स टू लेट। लेकिन मेरा ऋषभ, अब मुझे रोकने की कोशिश मत करो प्लीज। पूजा जी, सुनील भैया आप हमें सिर्फ पूजा कहेंगे। पता नहीं क्यों आप बहुत बड़ी लगती हैं, कम से कम इस दुनिया की तो नहीं लगती। इस वक्त जो आपके चेहरे पर खुशी है, सचमुच बहुत बड़ी है। सुनील भैया हम बड़े नहीं हैं, हम सच कहें हमें तो आप लोगों की बातें समझ में ही नहीं आती। ना है तो अच्छा, मंदी हमेशा अच्छी नहीं होती। पूजा जी, आप मेरे साथ डांस करेंगे? जी डांस? जी नहीं। क्यों, इतने बुरे हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शर्म आती है? अच्छा ठीक है, फिर आप हमें देखिए कैसे डांस करते हैं। ओके, दिस लिटिल गर्ल रूबी विल डांस विद मी। Me? Yes. As usual. Okay. Here we go. Pani, please. Jaldi. Aaj tumhe maut ke muh se nikal kar aa raha hu, jaldi. Maut se rubru ho liye? Kaise aa rahi thi maut? Gaadi mein aa rahi thi, motorcycle pe aa rahi thi, paidal aa rahi thi. Are mazak chhodo. Marte marte bachao.
मर जाते तो अच्छा होता, तुम रोज चले आते हो यहाँ, आज ये हो गया आज वो हो गया, तुम्हारा ठेका लिया मैंने। अरे तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा, तुम मेरे पार्टनर हो भाई। तो पार्टनर हो तो मेरी गोद में आके बैठ जाओगे। लावारिस हूं लेकिन वारिस नहीं चाहिए मुझे। मेरी जान पे बनी हुई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? उस त्यागी से आज बाल बाल बचाऊं मैं? वो तो अच्छा था हमारी टैक्सी खड़ी थी, वरना आज तुम्हें निपट गया होता। अरे कमाल है तुम्हें, तुम्हें हंसी आ रही? उस त्यागी का कुछ करो, मौत से तुम्हें बाद में मरूंगा, टेंशन और स्ट्रेस से पहले मर जाऊंगा। देखो शतरंज बिछाई जा चुकी है, जब जो मोहरा जैसे चलना होगा चल लिया जाएगा। क्वाइट अ पार्टी। पूजा, पूजा तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? किस बात से? पता नहीं क्यों, जब मैं पार्टी में मेधा के साथ डांस कर रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद तुम मुझसे नाराज हो। हमने तो ये नाराजगी जिंदगी भर के लिए मांगी थी, आपने तो हमें दी ही नहीं। अच्छा पूजा एक बात बताओ, लेकिन सच सच बताना, तुम्हें कभी मेधा से जलन नहीं होती? जी नहीं, हमें तो उन पर प्यार आता है। और आज वो कितनी सुंदर लग रही थी, बिल्कुल पूनम का चांद। हाँ, हाँ। उसके ऊपर से मेरा ग्रहण जोड़ गया, कमाल है। जब वो मेरे साथ थी तो हमेशा कितनी उदास रहती थी, और अब कितनी खुश नजर आती है। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हो, शायद हम ही एक दूसरे को अपसेट कर रहे थे। अच्छा ही हुआ जो हम लोग अलग हो गए। क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाएं? पूजा मेधा को लेकर जब भी तुम ऐसी बातें करती हो ना, मुझे एक अजीब किस्म की इनसिक्योरिटी महसूस होती है। मुझे लगता है कि तुम मुझे मेधा की ओर धकेल रही हो, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, तुम ऐसा करती क्यों? ये तो हम आपके सुख के खातिर करते हैं, और ये हम औरतों की बातें हैं, आपके समझ में नहीं आएंगी। और अगर आप नाराज हो गए हैं तो हम क्षमा चाहते हैं। पूजा मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, वैसे मेरा एक छोटा सा उसूल है, 11:15 के बाद मैं किसी से नाराज होता ही नहीं हूँ। अब जाओ, जाकर सो जाओ, थक गई होगी। अरे नहीं, तुम तो सोने से पहले वो कुछ पूजा उजा करोगी ना? एक बात बताओ, आज अपने राम जी से क्या मांगोगी तुम? हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि मेधा जी के मन का सूनापन वो जल्द से भर दे और उनकी जिंदगी में कोई नया ऋषभ आ जाए। कमाल है भाई, तुम्हारा जवाब नहीं पूजा। मेधा मेधा मेधा, उस पागल के नाम को छोड़ के और कोई नाम नहीं आता क्या तुम्हें? ये तो हम आपके लिए कर रहे हैं। मेरे लिए? अरे बाय द वे, माँ कहाँ है, कहीं नजर नहीं है? जी लक्ष्मण, लक्ष्मण। हाँ जी। इधर आ। माँ कहाँ है? माँ जी बाहर गई। बाहर गई इस वक्त? ठीक है तुम्हें। माँ इतनी रात गए कहाँ गई होगी?